आप देख रहे हैं जन आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। जिले के LRS एकेडमी स्कूल की छात्रा धृताची ने जिले में टॉप करते हुए 99.40% मार्क्स CBSE बोर्ड में हासिल किए हैं। छात्रा ने 12वीं में पूरे जनपद में टॉप करने का काम किया। छात्रा के टॉप करने पर स्कूल शिक्षक सहित परिजनों ने बच्चे को बधाई दी है। बड़ापुर की रहने वाली धृताची ने 12वीं में CBSE की परीक्षा में जिले में टॉप करते हुए 99.40% मार्क्स लाकर जहां जिले का नाम रोशन किया है, तो वहीं छात्रा ने अपने स्कूल व परिजनों को भी नाम रोशन करते हुए इस मुकाम में हासिल किया है। छात्रा का कहना है कि वह LRS एकेडमी में पढ़ती हैं और बड़ापुर के एक गांव की रहने वाली हैं। वह रोजाना पढ़ाई के लिए 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी। छात्रा रोजाना लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने पर इस मुकाम को हासिल करने का काम किया है। छात्रा के टॉप करने पर स्कूल के शिक्षकों व घर के परिजनों ने छात्रा को बधाई दी है। साथ ही साथ मोहल्ले वासियों ने भी घर जाकर छात्रा को मिठाई व फूल माला पहनाकर सम्मानित करने का काम किया है। ठीक है मैम, दीपाकी गुप्ता है और उसका 99.4% जिसने स्कोर किया है। ये बच्ची शुरू से नर्सरी से हमारे यहाँ पढ़ी है और बहुत अच्छी बच्ची रही है, बहुत सिंसियर रही है। टीचर्स की गाइडलाइंस की, उसके टीचर्स की सपोर्ट और बच्ची की मेहनत, पेरेंट्स का सपोर्ट, तीनों ने मिलकर इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि शायद ये हमारे रीजन में बच्ची आ जाए, इसी की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में पूरी उम्मीद है ये बच्ची रीजन में निकल कर आएगी। देहरादून रीजन का एक छोटी सी जगह की बच्ची में जीना की, देहरादून रीजन का नाम ज़रूर अपने इसमें लेकर आएगी। अच्छा, इससे पहले भी बच्चों ने टॉप किया है? हाँ सर, 2016 से हर साल इस स्कूल का बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मंडल टॉपर पर जरूर रहा है। और एक रीजन की ख्वाहिश थी, सपना था और लगता है इस बच्ची ने इस बार सपने को सबका पूरा किया है। क्या नाम है? मेरा नाम धृताची गुप्ता है, मैं भरापुर से आती हूँ, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर गांव से, और डेली अप डाउन करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। अब मैंने ये सहायता, ये सफलता अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल की मदद से प्राप्त की है। इसके लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करी तब जाकर इतने अच्छे मार्क्स मैं हासिल कर पाई हूँ। अच्छा, अब मैं आगे जाके सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पहले BSc क्लियर करूँगी। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।